नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। 1956 में सोवियत यूनियन ने इस वेल्डिंग को डेवलप किया था और उसके बाद कुछ अमेरिकन कंपनीज कैटरपिलर, रॉकवेल इंटरनेशनल और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्री ने इस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए मशीनें निर्मित की थी। और फ्रिक्शन वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है, मतलब कि इस टाइप की वेल्डिंग में हीट को किसी आउटसाइड सिस्टम से प्रोवाइड नहीं करते और इस प्रोसेस में मेटल मोल्टन स्टेट में नहीं आता। और हीट को जनरेट करने के लिए वर्क पीस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ स्लाइड या रब करते हैं। और कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में मैकेनिकली इंड्यूस्ड फ्रिक्शन के द्वारा हीट जनरेट की जाती है और कुछ समय के बाद वर्क पीस के स्लाइडिंग पार्ट हाई टेम्परेचर को गेन कर लेते हैं, जिसे प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज पर आने के बाद जब सफिशियंट और आवश्यकता अनुसार प्रेशर वर्क पीस के दोनों पार्ट्स पर अप्लाई किया जाता है तो वो एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार फ्रिक्शन वेल्डिंग में मेटल की मेल्टिंग नहीं होती और इसी कारण इसे फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन फोर्स्ड वेल्डिंग प्रोसेस में इसे काउंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग की जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस वेल्डिंग प्रोसेस में वर्क पीस के इंटरफेस सरफेस पर हीट जनरेट करने के लिए मैकेनिकली इंड्यूस्ड फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं और उस हीट का प्रयोग वर्क पीस के दो पीसीज या पार्ट्स को जोड़ने के लिए करते हैं और साथ में वर्क पीस सरफेस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग किस प्रकार से होती है। वैसे तो बहुत सारी तकनीक हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग को परफॉर्म करने की, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सभी तकनीकों के लिए एक समान है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेशनरी वर्कपीस पार्ट को चक में हम फिक्स कर देते हैं और यह जो पोर्शन है वो स्टेशनरी रहता है, जबकि वर्कपीस के दूसरे पार्ट को रोटर में रखेंगे और एक्सटर्नल पावर सोर्स की मदद से रोटर को हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं और इसके बाद स्टेशनरी वर्कपीस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं रोटेटिंग वर्कपीस की डायरेक्शन में, जैसा हम स्टेप 2 में देख रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर को अप्लाई करते हैं और ये जो वर्कपीस पार्ट है ये रोटेट करता रहता है और इस रोटर जो रोटेटिंग पार्ट है इसकी डायरेक्शन में प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, जिससे स्टेशनरी वर्कपीस रोटेटिंग वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट में आकर रब करता है और हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है और दोनों वर्कपीस पार्ट के कॉन्टैक्ट सरफेस पर प्रेशर को तब तक अप्लाई रखते हैं जब तक प्लास्टिक फॉर्मिंग टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता और उसके बाद जो रोटर है उसको बंद कर देते हैं और कंप्लीट वेल्ड होने तक ये जो प्रेशर है इसको बढ़ाते रहते हैं। तो उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 के बाद सोलिडिफिकेशन होती है और सोलिडिफिकेशन के बाद इस प्रकार से वर्क पीस के पार्ट 1 और पार्ट 2 जुड़ जाते हैं, मतलब कि वेल्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग को एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मैराइन, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका प्रयोग करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम से बने इक्विपमेंट की वेल्डिंग के लिए। गियर लीवर्स, ड्रिल बिट, कनेक्टिंग रोड आदि की वेल्डिंग के लिए भी इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब और शाफ्ट बनाने में इस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस वेल्डिंग की कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। इस प्रोसेस में कम समय में अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की वेल्डिंग की जाती है, कह सकते हैं शॉर्ट टाइम में हाई क्वालिटी वेल्ड हमें मिलता है और इसमें किसी प्रकार से फिलर मेटल या फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता और इस वेल्डिंग को पूरा करने या कंप्लीट वेल्ड होने में भी बहुत कम समय लगता है। इसमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं और मेटल की बहुत सी वैरायटी को ऑपरेट कर सकते हैं सिस्टम पर और
इस प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उससे बहुत कम एरिया पर अफेक्ट पड़ता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो इस प्रकार हैं। यह जो वेल्डिंग है एंगुलर और फ्लैट बट ज्वाइंट तक ही सीमित है और वर्कपीस की वेल्डिंग से ज़्यादा वर्कपीस को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कह सकते हैं वर्कपीस जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है इसकी वर्कपीस की वेल्डिंग से ज़्यादा। और फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाला जो मशीन सेटअप है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और यह वेल्डिंग छोटे पार्ट के लिए काफ़ी सूटेबल है लेकिन बड़े साइज़ के पार्ट के लिए यह वेल्डिंग उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसे काम करती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।